हेलो माय लवली YT फैमिली, हाउ आर यू? आई होप आपका बच्चा ही चल रहा है, मैं भी ठीक ठाक हो। तो फ्रेंड्स, आज का केक है हाफ किलो का केक, और ये केक का जो डिज़ाइन है ना फ्रेंड्स, वो देख के आपके नज़रें हटने वाला नहीं है। इतना ब्यूटीफुल एंड प्रेटी डिज़ाइन है, और इस केक में कोई मैंने नोज़ल वगैरह नहीं यूज़ करूँगी। तो भी देखिएगा आज का जो केक का डिज़ाइन है कितना ब्यूटीफुल बन के रेडी हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया नॉलेज देने वाला हो। और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले मैंने वनीला बेस बना के रखा था, और बेस ठंडा होने के बाद मैंने 3 लेयर में कटिंग किया, और एक एक लेयर को मैंने हमेशा नॉर्मल वाटर से सोक करती हूँ। आज भी वही किया, और आज का जो केक का फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो स्ट्रॉबेरी जो मलाश का क्रश है, लेयर का बीच बीच मैंने क्रश भी डाल दिया क्रीम के साथ साथ भी। सेम प्रोसेस करके 3 लेयर को पहले मैंने क्रम कोट कर लिया, और क्रम कोट करने के बाद मैंने रखा था केक को फ्रिज में। अभी फ्रिज से निकल कर रही हूँ आइसिंग। फ्रिज में रखना क्यों ज़रूरी है क्रम कोट करने के बाद फ्रेंड्स, मैं आप बता देती हूँ क्योंकि जो स्पंज केक का क्रम्स होता है, जो सूरा होता है, क्रम कोट करने के बाद फ्रिज में रखने के बाद वो अंदर में सेट हो जाता है। और जो फाइनल फिनिशिंग करोगे ना, तो भी कोई केक का सूरा यानी कि क्रम्स बाहर निकालेंगे नहीं, और निकालेगी तो केक का जो फिनिशिंग है अच्छा नहीं आएगा, बहुत ही दिक्कत के सामना करना पड़ेगा। और जो क्रीम है वो भी अच्छी तरीके से सेट होता है, तो इसलिए क्रम कोट करने के बाद फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने फ्रिज से निकाल करके क्रीम में मिला लिया म्यूजिक कलर का रेड कलर, क्योंकि इस कलर में कैसे करके परफेक्ट रेड कलर लाना है वो इस वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। तो इसलिए मैंने रेड कलर क्रीम से कवर कर लिया, और बाद में और परफेक्ट रेड कलर बनाऊंगी। देखते रहिए लास्ट तक, बहुत कुछ नया जानकारी आपको देने वाला हूँ, आपको देखने मिलने वाला है। और फ्रेंड्स देखिए, ये है व्हाइट चॉकलेट गनाश, व्हाइट चॉकलेट के साथ मैंने मिला लिया था न्यूट्रिल जेल और व्हिपिंग क्रीम। आप चाहे तो अमूल क्रीम यूज़ कर सकती हो। इस तरीका करके रेड कलर मिला के मैंने बना लिया था व्हाइट रेड चॉकलेट गनाश, और इस गनाश को देखिए पूरा मैंने कवर कर दिया, और ये बन गया ग्लेस केक। तो इस तरीका करके आप भी परफेक्ट रेड कलर बना सकती हो। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब पर जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना, ताकि इस तरीके आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो कभी कभी परफेक्ट रेड कलर कैसे बनाओ, क्या करो, क्या ना करो, क्रीम तो कभी परफेक्ट रेड कलर नहीं बनता। आपने जितना कलर क्यों ना डाले, क्योंकि ज़्यादा कड़ा कलर डालोगे तो क्रीम का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा, कस्टमर ने कंप्लेन करेंगे। तो इसलिए हम आसानी तरीके से कैसे केक को रेड कलर बना सकते हो, तो इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा, मतलब समझ आएगा। तो देखिए, मैंने केक का साइड का नीचे का जो बॉर्डर है वो रेड वेलवेट केक का जो क्रम्स है वही से कवर कर दिया, मतलब बॉर्डर बना दिया। और जो देखिए ऊपर मैंने व्हाइट चॉकलेट रेड कलर करके चॉकलेट गार्निश बनाया था, हार्ट शेप मोल्ड में जो सिलिकॉन मोल्ड आता है उस मोल्ड में मैंने बनाया था, और वही हार्ट शेप चॉकलेट का बीज गार्निश का बीज मैंने दे दिया रेड वेलवेट स्पॉन्ज केक का क्रम्स। तो कस्टमर ने जो केक का मुझे ऑर्डर दिया था उस केक में था हरी स्ट्रॉबेरी। हमारे यहाँ अभी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलते, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस तरीका करके डिमक लगा के थोड़ी सी अलग डिज़ाइन बना के दे दूँ, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए और मुझे भी थोड़ी सी प्रॉफिट मिले। तो इस तरीके करके कभी कभी काम करना पड़ता है, दिमाग घुमा के दिमाग लगा के, तो कभी कभी मैं ऐसा करके काम करती हूँ। तो लास्ट तक देखिए आज का केक का डिज़ाइन कैसे लगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएगा। आपका प्यारी प्यारी कमेंट के लिए मैं हमेशा वेट करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।